हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिसर्च करके एक ऐसी कंपनी का स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यूज़ करते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कंपनी है वो कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बेट साबित हो सकती है, तो आपको उस पर ज़रूर नज़र बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके वो कंपनी कौन सी है और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके टेक्निकल्स की हम बात करेंगे लास्ट में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के नाम बताने से पहले हम इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो कंपनी का करंट प्राइस अभी 280-275 के आसपास चल रहा है 15 सितंबर को, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई जो इसका है 340 के आसपास है, और यहाँ पर आप मार्केट कैप देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3 का है, ज़्यादा महंगी नहीं है। पीए और इंडस्ट्री का पीए ऑलमोस्ट सेम है, तो वैल्यूएशन अभी अच्छे हैं कंपनी के। डिविडेंड यील्ड 1.08 है, मतलब ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है। डिलीवरी देखिए ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, मतलब कंपनी में लोग डिलीवरी लेना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर ईपीएस देखिए दोस्तों, आप इस ईपीएस को देखिए 20.41 का ईपीएस, मतलब शानदार अर्निंग पर शेयर है दोस्तों कंपनी का। तो ये थे दोस्तों इसके वैल्यूएशंस। अब इसके हम बात करते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन की, और टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या शो करते हैं। टॉप लाइन देखिए आप, यहाँ पर जून 2018 में 1148, 1220, 1263, और यहाँ पर कंटिन्यूस देखिए अब सेल्स यहाँ पर बढ़ रही है। अब आप यहाँ पर इस हाफ में देखिए, यहाँ पर कोविड पैंडेमिक हुआ इसके बावजूद यहाँ पर कंपनी अच्छी सेल्स पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ जून 2018 में देखिए 32, दिसंबर 2018 में इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं था, यहाँ पर जून 2019 में इसने फिर से अच्छी कम बैक किया है, देन दिसंबर 2019 में 100, एंड देन जून में यहाँ पर कोविड पैंडेमिक को हम दोस्तों यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, फिर भी इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छा पोस्ट किया है। तो यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन भी कंपनी की स्टेबल दिख रही है। अब बात करते हैं इसके मार्जिन रेशियोज़ की। मार्जिन देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2019 में, यहाँ पर दिसंबर 2019 तक का डेटा है दोस्तों यहाँ पर, तो 12 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7 का है, तो मतलब ठीक ठाक यहाँ पर मार्जिन रेशियोज़ हैं कंपनी के। लेकिन यहाँ पर रिटर्न रेशियोज़ देखिए आप, रिटर्न ऑन इक्विटी 24, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27, रिटर्न ऑन एसेट 11, मतलब यहाँ पर देखिए आप ज़बरदस्त यहाँ पर आरओसी आरओई के नंबर दिख रहे हैं। लेवरेज रेशियो देखिए ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और यहाँ पर इसके मार्जिन रेशियोज़ एंड रिटर्न रेशियोज़ हमने देख लिए, तो ये भी यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए अच्छी खासी है, 67% की ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर कांस्टेंट रखी हुई है शेयर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग देखी है, तो कंपनी के प्रमोटर्स को यहाँ पर विश्वास है कंपनी के फ्यूचर पे, तो यहाँ पर उन्होंने प्लेज नहीं कर किया हुआ है और अच्छी खासी होल्डिंग रखी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग 4.5% अच्छी है, डीआईएस की 7.91, यहाँ पर बढ़ाई है देखिए पिछले क्वार्टर से यहाँ पर थोड़ी सी, तो अच्छी बात है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 0.1, इंश्योरेंस कंपनीज की 0.11। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इंश्योरेंस कंपनी हर जगह दाव नहीं लगाती, इंश्योरेंस कंपनी सेफ बैट खेलती है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी होल्डिंग को रखा हुआ है 0.11। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है यहाँ पर बढ़ाई है देखो, यहाँ से पिछले क्वार्टर से यहाँ पर इस क्वार्टर में डबल हो गई ऑलमोस्ट। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों ये था, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिखता है यहाँ पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी क्या है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है हुतामाकी पेपर्स। हुतामाकी पेपर्स यानी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जो जानी जाती थी, उसको हुतामाकी ने एक्वायर कर लिया था। तो ये कहाँ की कंपनी है, हुतामाकी फिनलैंड की कंपनी है दोस्तों, इसकी पेरेंट कंपनी है हुतामाकी की, हुतामाकी ओवाईजी, मतलब ये हुतामाकी पेपर्स की पेरेंट कंपनी है जो कि इंडिया नाम है हुतामाकी पेपर्स फिनलैंड की पेरेंट कंपनी की। तो ये यहाँ पर देखिए 35 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है ये, 81 साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, और यहाँ पर देखिए 18,1600 इसके एम्प्लॉयज़ वर्किंग एम्प्लॉयज़ है। और अब ये तीन सेगमेंट में काम करती है, एक तो फाइबर फूड सर्विस ईओए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड नॉर्थ अमेरिका। अब इस फाइबर फूड सर्विसेज ईओए मतलब यहाँ पर है अब यूरोप, एशिया एंड ओशनिया, तो ये करती क्या है, पैकेजिंग फॉर फ्रेश फूड एंड ड्रिंक्स, मतलब ये प्रोवाइड कराते हैं सर्विस फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स एंड वेंडिंग ऑपरेटर्स, एज वेल एज़ एग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स, मतलब यहाँ सबको पैकेजिंग और फॉर फ्रेश फूड एंड ड्रिंक्स प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में क्या आता है, मल्टी लेयर फिल्म एंड फॉइल्स फॉर फूड, मतलब यहाँ पर देखिए आप ये
यहाँ पर देखिए, मटेरियल पाउचेस एंड लेबल्स फॉर फूड एंड ड्रिंक, कॉफी पैकेजिंग, पेट फूड पैकेजिंग, बैरियर पैकेजिंग, रिटॉर्ट पाउचेस एंड पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए, ग्लोबल, वी सर्व ग्लोबल एंड लोकल ब्रांड्स अक्रॉस यूरोप, एशिया, ओशनिया एंड साउथ अमेरिका। तो मतलब ये इसकी दूसरा सेगमेंट है इसका, जहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब तीसरा इसका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बिजनेस प्रोफर्स ए वाइड रेंज ऑफ पैकेजिंग फॉर फूड सर्विस ऑपरेटर्स एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए, आइसक्रीम पैकेजिंग, केटरिंग, डिस्पोजेबल्स, फूड टू गो पैकेजिंग, और ये एक चाइनेट आर रजिस्टर्ड जो इनका है, इनके प्राउड मेकर्स हैं, जो कि मोस्ट रिकग्नाइज प्रीमियम रिटेल डिस्पोजेबल टेबल वेयर ब्रांड है अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये था इसका एक क्विक ओवरव्यू कंपनी का, कंपनी करती क्या है, इसका सेगमेंट क्या है और ये कहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये था दोस्तों एक ओवरव्यू। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की, क्या क्या ये कंपनी बनाती है। ये देखिए, बेवरेज टू गो, यहाँ पर ये डबल वॉलपेपर कप्स जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉफ़ी कप्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक कप्स जो होते हैं, कप्स, कैरियर लिड्स, एसेसरीज एंड शॉर्ट रन प्रिंटेड प्रिंट्स ऑफ कस्टमाइज पेपर कप्स। फूड टू गो, यहाँ पर कंटेनर्स, क्लैम शेल, स्कूप्स, बाउल्स, रैप्स, वेरियस एसेसरीज। तो यहाँ पर हर तरह के जो भी पैकेजिंग होती है, जो भी आपको दिखाई पड़ती है, वो हर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। रिटेल एंड केटरिंग में है, एग, फ्रूट एंड वाइन, बेवरेज पैकेजिंग, पैकेजेस फूड, पेट फूड, पर्सनल एंड होम केयर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका प्रोडक्ट रेंज है, काफ़ी लोकेशंस एंड काफ़ी बिजनेसेस को ये प्रोवाइड कराती है अपनी सर्विसेज। तो यहाँ पर अब आप देखते हैं अपन कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों इसको, ये है मेन। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, लाइफ बॉय, लक्स, फेयर एंड लवली, जो कि एच यू एल का प्रोडक्ट है, उस तक के लिए पैकेजिंग करती है दोस्तों। यहाँ पर हाउस होल्ड देखिए, सर्फ एक्सल, वैनिश, फिनिश, यहाँ पर हाउस होल्ड में ये सब चीज़ की पैकेजिंग प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर देखिए, नीविया, पेंटीन, पेंटीन प्रो, यहाँ पर ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करती है। ओरल केयर में देखिए आप, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, सब चीज़ की यहाँ पर पैकेजिंग करती है। अदर्स में यहाँ पर नीविया जो भी फेस वॉश वगैरह एंड देन क्रीम जो भी है, उन सब का पैकेजिंग प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर लिक्विड बाम्स, क्रीम्स, जेल्स और डर्मेटोलॉजी के देखिए प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनके सबके लिए पैकेजिंग। ट्यूब लैमिनेट्स की पैकेजिंग प्रोवाइड कराती है दोस्तों, ट्यूब लैमिनेट्स हैं। यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेज जो भी है, ये देखिए, जो भी आपके टैबलेट्स होती हैं उन पर जो रैपिंग होती है, उनकी पैकेजिंग करती है। न्यूट्रिशन इन्फ्यूजन सॉलिड्स एंड पाउडर प्रोडक्ट्स, ये देखिए, इनो, स्ट्रेप्सिल्स, डेली प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं डेली हाउस होल्ड में, हमारे डे टू डे रूटीन में काम आती है चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक। ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लेबल्स, लेबल्स में देखिए आप, लेबल्स, पेप्सी के लेबल्स, यहाँ पर देखिए फ्लोरा एंड देन हीट ट्रांसफर लेबल्स जो होती है, प्रेशर सेंसिटिव, क्लिनिक प्लस। यहाँ पर कॉफ़ी जो मग होता है उसके लिए प्रोडक्ट लेबल्स लेबलिंग करती है, पेप्सी, इनो, फिज, हॉर्लिक्स, विवेल, हिमालय। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स देखिए आप, इन सब के लिए पैकेजिंग ये करती है। यहाँ पर वेट स्ट्रेंथ में देखिए, यहाँ पर ये बियर जो है, यहाँ पर अल्कोहल, अल्कोहलिक जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पर पैकेजिंग प्रोवाइड कराती है। रैप अराउंड यहाँ पर देखिए, अब फेंटा है, कोका कोला है, थम्सअप है, एक्वाफीना है, सब चीज़ के लिए दोस्तों यहाँ पर ये पैकेजिंग प्रोवाइड कराती है। आप बस नाम लीजिए, आप सुबह उठेंगे, आप कोलगेट करेंगे, आप नहाएंगे, लक्स यूज़ करेंगे, आप इनो यूज़ करेंगे, आप पेप्सी यूज़ करेंगे, आप हर चीज़ इसकी यूज़ करेंगे जिसमें हुतामाकी की पैकेजिंग होती है। तो दोस्तों ये था इसका ओवरव्यू। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल की, कि आपको ये अगर लेना है तो कहाँ लेना है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, बाइंग लेवल देख रहे हैं, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेशन के बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस, क्या इसके रेंज और बाइंग लेवल हो सकते हैं और इसके क्या टारगेट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टारगेट का यहाँ पर मार्क कर रखा है। तो अभी इसकी करंट प्राइस दोस्तों 287 के आसपास चल रही है, ये देखिए 287 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पर एक ये इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है 298 पे है, तो मतलब यहाँ तक ये जा सकता है 298 तक। और अगर इसको ब्रेक किया तो दोस्तों ये अच्छा खासा यहाँ से रनअप देगा, इसके 350 तक के, 360 तक के टारगेट आ सकते हैं। और अगर ये करेक्ट होता है तो इसके 256 का एक सपोर्ट है, यहाँ पर अगर आता है तो आप इसमें स्टैगर्ड वे में यहाँ पर अपनी बाइंग चालू कर सकते हैं। तो ये इसका एक सपोर्ट है। और अगर मार्केट में कुछ अच्छा खासा निफ्टी में करेक्शन होता है तो इसका जो
सपोर्ट होगा दूसरी तरफ, वो 195 के पास पास होगा, यहाँ पर आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। तो ये इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड टारगेट थे, आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों ये डिटेल्ड एनालिसिस था, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों हमार को एनकरेजमेंट मिलेगा और भी अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए आगे बनाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।